बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था, तीसरे चैप्टर का अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, यानी कि विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम विभव कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है, वो आवेश अनंत पर रखा है, कोई परीक्षण आवेश, और ये कोई आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अनंत पर कोई आवेश है, यहाँ कोई बिंदु A है जो इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर है, जो हमारा मुख्य आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि परीक्षण आवेश का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र ये वाला आवेश उत्पन्न करेगा। इस वाले आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है और परीक्षण आवेश रखा है अनंत पर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा? बाहर की हो, इधर। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी और वो दिशा किधर है? बाहर की हो, ठीक है। परीक्षण आवेश को हम अनंत से ए बिंदु पर लेके आ रहे हैं, तो कितना कार्य हम करेंगे उसकी गणना करें। तो पहले अपन ये मान लेते हैं कि कोई भी जो आपका आवेश है वो पहले यहाँ पे ये ए बिंदु था आपका, इसके लिए कार्य ज्ञात करें। तो स्मॉल विस्थापन के लिए, छोटे विस्थापन के लिए कार्य ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु बी है और दोनों के बीच विस्थापन कितना है? dr, ठीक है। जब विस्थापन बी से ए तक परीक्षण आवेश आएगा तो विस्थापन dr है, तो किया गया कार्य भी कितना होगा? dw। तो बी से ए तक का विस्थापन dr, किया गया कार्य dw, तो आपके पास विभव कितना होगा बेटा? यहाँ बी से ए तक आने में विभव होगा dv, क्लियर। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, हम कार्य ज्ञात कर लेते हैं। तो कार्य का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं, वो क्या होता है? dw बराबर बताइए बल गुणा विस्थापन। तो बल, जो विद्युत बल लग रहा है वो है F माना, और विस्थापन कितना है? b से a तक आने में। छोटे विस्थापन के लिए कार्य ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका समाकलन कर देंगे तो बड़े के लिए आ जाएगा। तो भाई देखो, विस्थापन यहाँ से b से a तक आने में dr है, तो आ गया आपके पास F डॉट dr, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं dw बराबर F इंटू dr cos थीटा। बोलो नहीं क्या? अरे भाई डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा। अच्छा ये बताओ, ये जो थीटा है वो किस किस के बीच का कोण है? थीटा है F और dr के बीच का कोण। तो अब थोड़ा सा बात को समझे कि F इधर है, बल बाहर क्यों लग रहा है? इस आवेश से बाहर क्यों, और विस्थापन किधर लेके आ रहे हैं? इधर। तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 180। अरे विस्थापन तो इधर और बल उधर लग रहा है, विद्युत बल, क्योंकि इस आवेश से जो बल लगाएंगे परीक्षण आवेश में वो तो उधर लगेगा, और आवेश को किधर लेके आ रहे? इधर। तो कोण कितना? 180। तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है? थीटा है यहाँ पर 180, ठीक है। तो cos 180, cos 180 का मान कितना होगा? -1। तो हम यहाँ मान रखेंगे तो आपके पास dw बराबर आ जाएगा F डॉट dr cos 180, और cos 180 का मान होता है dw बराबर F डॉट dr, और ये cos 180 का जो मान है वो -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा dw बराबर -F डॉट dr। ये हमारे पास आ गया कार्य, कहाँ से कहाँ तक आया? अल्पांश विस्थापन के लिए कार्य आया है। हमें किसके लिए कार्य चाहिए? हमें चाहिए पूरे अनंत से लेकर r दूरी तक कोई बिंदु a है वहां तक का कार्य चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करेंगे तो हम देखो क्या कर देते हैं, इसका इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का समाकलन कर देते हैं, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन कहाँ तक करेंगे? समाकलन हम कर देते हैं अनंत से, लिमिट क्या ले लेते हैं? लिमिट हम ले लेते हैं अनंत से कहाँ तक? a तक, या तो देखो a तक, या फिर हम लिख सकते हैं इसको छोटे r तक। अनंत से या तो a बिंदु पर लेकर आएंगे तो a तक लिख सकते हैं, या फिर a बिंदु जो है इस आवेश से कितनी दूरी तक है? r दूरी तक, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा समाकलन dw बराबर समाकलन लिमिट अनंत से कहाँ तक
अलग ले रहे हैं बेटा अनंत से या तो ए और या छोटा आर, ठीक है। और आ जाएगा माइनस एफ डॉट डीआर, क्लियर है। अच्छा आप देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की बात यह है कि यहाँ पे डीडब्ल्यू का जो समाकलन है वो क्या होगा आपके पास भाई, डीडब्ल्यू का समाकलन बताइए, डीडब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू, तो आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जो कार्य है वो आपके पास आ जाएगा ये माइनस साइन और अनंत से छोटा आर एफ डॉट डीएम, आर ले लिया मैंने, ये भी ले सकते हैं। अच्छा ये बताओ एफ का मान क्या है, एफ क्या है विद्युत बल, एफ यहाँ पे क्या है विद्युत बल, एफ है विद्युत बल और विद्युत बल का मान क्या होता है, एफ बराबर होता है क्यू जीरो इंटू ई, ध्यान है क्या, क्योंकि विद्युत बल जो है विद्युत क्षेत्र के रेस्पेक्ट में होगा, एफ बराबर क्यू जीरो ई। इसको देखते हैं समीकरण दो और इसको देखते हैं समीकरण नंबर तीन, समीकरण तीन से मान दो में रख देते हैं, किसकी जगह रख देंगे एफ की जगह, तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से छोटा आर एफ की जगह हमने रख दिया टू जीरो इंटू ई इंटू जीरो, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो हम विभव तक पहुंचते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास ध्यान से समझेंगे विभव, जो विभव आपके पास, अच्छा देखिए यहाँ पर विभव का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं वो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, बोलो नहीं क्या, तो ये समीकरण मान लेते हैं इसको चार और इसको समीकरण मान लेते हैं पांच, ये अपन ने विभव का जनरल सूत्र लिखा है, समीकरण चार से मान पांच में रख ले किसकी जगह डब्ल्यू की जगह, तो क्या जाएगा वी बराबर है माइनस समाकलन अनंत से कहां तक है छोटा आर क्यू टू ई और यहाँ पर है डॉट डी आर और बटे में है क्यू जीरो, क्यू जीरो क्या है, क्यू जीरो तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले इसको कैंसिल कर देंगे, तो माइनस क्यू जीरो कॉन्स्टेंट समाकलन अनंत से आर ई डॉट डी आर अपॉन क्यू जीरो और क्यू जीरो से क्यू जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास जीरो आ गया V बराबर माइनस समाकलन अनंत से आर ई डॉट डी आर, ये आ गया विद्युत क्षेत्र, अगर आपको दिया है विद्युत क्षेत्र आपको दिया है तो उसकी सहायता से हम विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है इसको याद रखना है, कैलकुलेशन सिंपल है, पहले हम कार्य ज्ञात कर लेते हैं, कार्य छोटा वाला कार्य ज्ञात करते हैं यानी कि अल्पांश विस्थापन के लिए अल्पांश कार्य, उसका समाकलन कर देते हैं, जो विद्युत बल है बल का ध्यान रखना है, बल के मान अलग अलग है, यहाँ कौन सा बल लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कार्य जो भी ज्ञात करते हैं उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण वाला होगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान रखेंगे, वहां गुरुत्वीय बल आ जाएगा गुरुत्वीय कार्य आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मान रखकर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।